गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस ऑन स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड के स्ट्रक्चर और यूज आपके सिलेबस में है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रक्चर और यूज़ के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एथिल क्लोराइड क्या है। एथिल क्लोराइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन ए कूल प्लेस, डू नॉट स्टोर अबव 120 डिग्री फॉरेनहाइट या 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव, डू नॉट यूज़ नियर फायर और फ्लेम और प्लेस ऑन हॉट सरफेस। कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको ध्यान देना है, जो प्रिकॉशन इसको हैंडल करते समय हमें ध्यान देना होता है। क्लोरोइथेन और मोनोक्लोरोइथेन, कॉमनली नोन बाय इट्स ओल्ड नेम एथाइल क्लोराइड, इज ए केमिकल कंपाउंड विच केमिकल फार्मूला C2H5Cl। यानी एथिल क्लोराइड जो है क्लोरोइथेन या मोनोक्लोरोइथेन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ कलरलेस फ्लेमेबल गैस और रेफ्रिजरेटेड लिक्विड विद अ फ्रेंडली स्वीट ऑडर। कलरलेस फ्लेमेबल गैस होता है और रेफ्रिजरेटेड लिक्विड विद अ फ्रेंडली स्वीट ऑडर। इसका ऑडर जो होता है वो स्वीट होता है। अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो एथिल क्लोराइड नेम डिस्क्रिप्शन इसका कलरलेस गैस, मॉलिकुलर फार्मूला इसका C2H5Cl, मॉलिकुलर वेट 6465, डेंसिटी 0.9214 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बॉइलिंग पॉइंट 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट -138.7 डिग्री सेंटीग्रेड और वेपर डेंसिटी 2.22। ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इसके कॉमन नेम्स की बात करें तो एथिल क्लोराइड, क्लोरोइथेन, मोनोक्लोरोइथेन, क्लोरोइथाइल, एथिलिस क्लोरिडम, एथर क्लोरेटस, एथर हाइड्रोक्लोरिक, एथर म्यूरेटिक, कैलिन, चिलेन, एनोडियन, क्लोरल एनेस्थेटिक, नार्कोलाइट। ये कुछ इसके आप समझ सकते हैं जैसे सिनोनिम, आप इन्हें इन सारे नामों से भी जाना जाता है। मोस्टली इसको एथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन और मोनोक्लोरोइथेन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। बाकी सारे भी नेम इसके हैं जो एज ए सिनोनिम यूज़ हो सकते हैं, तो आप इन नामों से भी इसको जानें ताकि अगर इनमें से किसी से पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। प्रिपरेशन की बात करें तो एथाइल क्लोराइड इज़ प्रोड्यूस बाई हाइड्रोक्लोरिनेशन ऑफ एथिलीन। एथिलीन का जब हाइड्रोक्लोरिनेशन किया जाता है तो एथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। एट वेरियस टाइम इन द पास्ट एथाइल क्लोराइड has also been produced from ethanol and hydrochloric acid or from ethane and chlorine, but these routes are no longer economical. Ethyl chloride is generated as a byproduct of polyvinyl chloride production. एथिलीन का जब हाइड्रोक्लोरिनेशन किया जाता है तो एथिलीन क्लोराइड का निर्माण होता है। एथिलीन का जब हाइड्रोक्लोरिनेशन किया जाता है, लेकिन इसके अलावा पास्ट मतलब उससे पहले का जो समय था उसमें इसको एथेनॉल जो होता है उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन या फिर इथेन का क्लोरीन से रिएक्शन भी कराया जाता था, मगर वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ते थे, इकोनॉमिकली वो सही नहीं थे। तो इसलिए ये जो एथिलीन का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिनेशन से कराया जाता है ये सबसे कॉस्ट के हिसाब से, इकोनॉमिक के हिसाब से ये बेस्ट मेथड है, तो इसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोडक्शन जो होता है उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में भी ये बनता है, तो वहाँ से भी इसको बनाया जा सकता है। यूजेस की हम बात करें तो एथिल क्लोराइड हैज़ बीन यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड एरोसॉल स्प्रे, प्रोपेलेंट एंड एनेस्थेटिक एंड ए ब्लोइंग एजेंट। रेफ्रिजरेशन में, एरोसॉल में, स्प्रे में, प्रोपेलेंट में, एनेस्थेटिक के रूप में कई तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। द ओनली रिमेनिंग इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट यूज टू एथिल क्लोराइड इज इन ट्रीटिंग सेलुलोज टू मेक एथिल सेलुलोज ए थिकनिंग एजेंट एंड बाइंडर इन पेंट्स, कॉस्मेटिक एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें तो इस एथिल क्लोराइड का यूज़ सेलुलोज को ट्रीटमेंट में यूज़ होता है जिससे एथाइल सेलुलोज बनता है, और एथाइल सेलुलोज जो होता है वो पेंट्स एंड कॉस्मेटिक में यूज होता है। इट एक्ट एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट में भी यूज़ होता है, कन्वर्जन या
एंग्जाइटी के कंडीशन में पास टाइम में इसको यूज़ किया जाता था। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द टेम्प्रेरी रिलीफ ऑफ माइनर स्पोर्ट इंजरी, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी होता है ये, तो टेम्प्रेरी जो माइनर स्पोर्ट इंजरी होती है उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एथिल क्लोराइड आल्सो हेल्प्स टू रिलीव डीप मसल पेन व्हेन यूज विद मसल स्ट्रेचिंग टेक्निक। मसल स्ट्रेचिंग टेक्निक के साथ जब इसको मसल पेन में यूज़ किया जाता है तो इसका बेनिफिट होता है। एथिल क्लोराइड इज़ अ कूलिंग सब्सटेंस दैट इज़ अप्लाइड टू द स्किन। एथिल क्लोराइड जो है वो एक कूलिंग सब्सटेंस है जो स्किन के ऊपर कूलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस मेडिकेशन इज यूज टू प्रिवेंट पेन कॉज्ड बाय इंजेक्शन एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स। कई बार इसका यूज़ जो है जो पेन होता है माइनर सर्जरी से या इंजेक्शन से उसको ठीक करने के लिए या उसमें रिलीफ देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूज़ हैं। साथ ही साथ हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे क्यूटेनियस सेंसिटाइजेशन में आकर बट अपीयर्स टू बी एक्सट्रीमली रेयर, मतलब स्किन का इन्फेक्शन कॉज हो सकता है लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से होता है, लेकिन है इसका साइड इफेक्ट के रूप में हो सकता है। एथिल क्लोराइड इज़ नोन एज अ लीवर एंड किडनी टॉक्सिन, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में कॉज लीवर और किडनी डैमेज। ये लीवर और किडनी के लिए बहुत नुकसान करता है, तो इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है लीवर और किडनी को ख़राब कर सकता है। इनहेलेशन ऑफ एथिल क्लोराइड शुड बी अवॉइडेड एज इट इज़ डेंजरस, चूँकि ये एक डेंजरस का ये समझ सकते हैं कि इसका जो इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन जो होता है वो डेंजरस है, मतलब एरेशन को ये, चूँकि ये एक तरह से एक्सप्लोजिव या यूँ कहें कि ये थोड़ा सा जलन कॉज कर सकता है, तो इसलिए इसका जो इनहेलेशन है वो अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये लंग्स में प्रॉब्लम कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, और साथ ही साथ इंटरनल जो ऑर्गन जिसको बताया गया है जैसे लीवर और किडनी के लिए होता है तो उसको भी ये नुकसान कर सकता है। प्रिकॉशन में अगर देखें तो डू नॉट स्प्रे इन आइज़, कभी भी इसका स्प्रे आइज़ में नहीं होना चाहिए, एज अ प्रोपेलेंट या स्प्रे के रूप में अभी हम लोगों ने ऊपर यूज़ में समझा है, तो कभी भी जो भी इस तरीके के प्रिकॉशंस होते हैं, प्रिपरेशंस होते हैं, उनका यूज़ कभी भी आइज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें चांसेस है एथिल क्लोराइड के होने के, तो वो नुकसान करेगा। एथिल क्लोराइड इज़ फ्लेमेबल एंड इट शुड नॉट बी यूज इन द प्रेजेंस ऑफ ओपन फ्लेम, और इससे डील करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी आसपास फ्लेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लेमेबल होता है, आग को ये बहुत तेज़ी से पकड़ सकता है और कंडीशन जो होती है वो वर्स हो जाएगी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखें तो एथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म एथाइल अल्कोहल, ये एथाइल अल्कोहल बनाने के लिए एज अ रिएजेंट की तरह यूज़ हो सकता है, क्योंकि एथिल क्लोराइड का जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं तो एथाइल अल्कोहल बन जाता है, तो एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड एथेनॉलिक फॉर्म एथाइल साइनाइड एंड एथाइल आइसो साइनाइड, ये जो एथिल क्लोराइड है इसका जब एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एथिल आइसो साइनाइड और एथिल साइनाइड का निर्माण होता है। C2H5CN एथिल साइनाइड है और C2H5NC जो है एथिल आइसो साइनाइड है। इस तरीके से हम लोग एथिल क्लोराइड के स्ट्रक्चर को और उसके यूज़ को हम लोग को ने यहाँ पे समझा है, इसको आप स्टडी करें। थैंक यू।